मेरा नाम डॉक्टर सरिता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर की। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बात किया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण आते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होता है, कारण क्या होता है और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, आप मेरे हाई ब्लड प्रेशर की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मैं बात करने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। मेरे काफ़ी पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलना चाहिए ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बताने वाली हूँ आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, इससे आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है और एक लो ब्लड प्रेशर होता है। पहले समझ लीजिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मतलब कि जब हार्ट बीट करता है तो उस पंपिंग के दौरान जो प्रेशर आपके आर्टरी और धमनियों में आता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब कि वो ब्लड प्रेशर जो हार्ट बीट के दौरान आपकी आर्टरी या फिर धमनियों में प्रोड्यूस होता है, और डायस्टोलिक का मतलब कि जब हार्ट रेस्टिंग फेज में रहता है उस टाइम में जो आर्टरी और धमनियों में प्रेशर जनरेट होता है या दबाव होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जो अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। प्रेशर 100/60 में चला गया है या उससे कम हो गया है या फिर 90/60 में चला गया है तो इस तरह के ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है। किसी किसी पेशेंट में आप जब भी एग्जामिन करोगे उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में ही दिखाता है, मतलब कि उनका 100/60, 100/70 इस तरह का उनका ब्लड प्रेशर रहता है और उनको कुछ सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर उस पर्सन के लिए नॉर्मल में कंसिडर किया जाएगा। सब्जेक्टिव ब्लड प्रेशर मतलब कि किसी इंसान के लिए वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, बट सब में नहीं। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120 आ रहा है, 130 आ रहा है और अचानक से उसका ब्लड प्रेशर 100 में चला गया, 90 में चला गया और उसकी वजह से उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको आप कंसीडर करेंगे और उसको लो ब्लड प्रेशर में गिना जाएगा। जो ब्लड प्रेशर है वो हर दिन के 24 घंटे नॉर्मल नहीं रह सकता है। वो आपके सोने के ऊपर, मतलब आप कितने टाइम की नींद ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है मतलब कि जो एक्सरसाइज वगैरह है या रनिंग अगर आप करते हैं, यहाँ तक कि आपकी ब्रीदिंग रेट, ये आपका मेंटल स्टेट, इन सब पर भी निर्धारित होता है। जैसे कोई पर्सन तुरंत वॉक करके क्लिनिक में आया और उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और एक शांत स्टेट में, क्लिनिक में आने के 10 मिनट के बाद वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया, शांत हो गया, तब आप जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर आप तुरंत जाकर क्लिनिक में चेक मत करवाइए, पहले अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए और उसके बाद ब्लड प्रेशर लीजिए ताकि आपको नॉर्मल रीडिंग मिल सके। अगर मैं ब्लड प्रेशर के टाइप की बात करूँ तो काफी टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं। मैं बात करूंगी ऑर्थोस्टेटिक। ऑर्थोस्टेटिक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम होता है आपके पोस्चर की वजह से। जैसे हम लेटे हुए हैं और अचानक से उठे और हमको चक्कर थोड़ा सा आने लगा और उस दौरान आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो लो आया, मतलब आपका ब्लड प्रेशर पोस्चर से रिलेटेड है। या मैं अचानक से जैसे मैं बैठ कर उठ गई या फिर मैं काफी देर से खड़ी थी और फिर मैं बैठ गई, तो ये जो पोस्चर चेंज की वजह से आपके बीपी में चेंजेस आता है इसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब कि आपका पोस्चर की वजह से बीपी लो होता है। ज्यादातर पोस्चुरल बीपी जो होता है एल्डरली पीपल में होता है, मतलब कि जो ओल्ड एज है इनमें ज्यादा कॉमन होता है। जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन है ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में भी देखा गया है। फिर आता है कि पोस्ट पैराडियल, मतलब कि खाना खाने के बाद
आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पता है कि न्यूरली मेडिकेटेड मतलब कि जब आपके हार्ट और ब्रेन का जो सिग्नल होता है या जो मैसेज जाता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा है कि वो बहुत देर तक अगर खड़े रहने लगते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, डिजीनेस आने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। या फिर आप इमोशनली किसी चीज को लेकर काफी डिस्टर्बेंस में चल रहे हैं, कोई डर है या फिर किसी शॉक की वजह से या कोई इमोशनल टर्मोइड जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाएगा। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास वो फियर और एंजाइटी की वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। फिर आता है सीवियर, जैसे पेशेंट कोई शॉक में है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है जहां पर उसके वाइटल ऑर्गन यानी कि लंग्स या ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो जाता है और बीपी कम हो जाता है। और अदर कॉजेज की मैं बात करूँ तो जो भी आपके वाइटल ऑर्गन है जैसे लिवर है, जैसे हार्ट है या ब्रेन है, अगर ये अफेक्टेड होता है तो इसकी वजह से काफी बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कई बार आपको जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उसमें भी लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखा गया है। या पर्सन बहुत ज्यादा टाइम से स्ट्रेस में चल रहा है या उसका कुछ किसी डर से गुजर रहा है या कुछ ऐसी उसके साथ में ट्रेजिडी हो गई है, या फिर बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं जिनको एंजाइटी होती है और वो क्या होता है अगर उस एंजाइटी या डिप्रेशन को ज्यादा टाइम तक आपके अंदर वो चल रहा है तो वो भी एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर होता है जो आपका ब्लड प्रेशर लो कर देता है। तो स्टेटिक्स जो पोस्चर से रिलेटेड होता है। सेकंड मैंने बात किया कि पोस्ट पैराडियल हाइपोटेंशन मेडिएटेड हाइपोटेंशन, मैंने बात किया कि सीवियर जहाँ पर वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो। अदर कॉजेज में आते हैं विटामिन से रिलेटेड या लिवर वगैरह या फिर और कोई बॉडी में डिजीज हो जिसकी वजह से इमोशनल लेवल पर अगर आपको कोई शॉक एंजाइटी फियर स्ट्रेस ये सब हो रहा है उसकी वजह से। अभी मैं कॉजेज की बात करती हूँ कि जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के कॉजेज क्या होते हैं। लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन के वैसे तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं। पहला तो ये है कि बहुत सारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा लोअर साइड में ही आता है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होता तो उनको मेडिसिन की जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना जरूरी होता है। सेकेंड आता है कि कुछ पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल में रहता है अचानक से लोअर साइड में चला जाता है, उसको आपको ट्रीट करने की जरूरत होती है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉज क्या है, मतलब कि उसको किस वजह से हो रहा है। क्या उसको फंक्शनल लेवल पर कोई एंजाइटी स्ट्रेस या टेंशन की वजह से उसका बीपी कम हुआ है, या उसको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ, या उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है या ब्रेन में ऑक्सीजन बराबर से नहीं पहुंच पा रहा है इसकी वजह से हो रहा है, तो आपको कॉज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज की कई बार प्रेग्नेंट लेडीज में भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखी गई है, डायबिटिक पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, तो इसलिए आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है और उसी के हिसाब से उनको ट्रीट करना है। जहां पर भी आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हार्ट अफेक्ट हो जाता है या ब्रेन अफेक्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमको आने लगते हैं और आपको लो बीपी की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। बहुत सारी मेडिसिन भी लो ब्लड प्रेशर कॉज करती है, जैसे अगर आप हार्ट अटैक की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो जैसे बीटा ब्लॉकर वगैरह हो गया तो ये इस मेडिसिन की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और कई बार क्या होता है जब आप हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में चला जाता है, मैंने काफी पेशेंट में इस तरह का भी देखा है।